कुछ दिन पहले आपने भरत पाल के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए थे, उसके बाद अब बबीना विधायक और आशीष उपाध्याय के ऊपर लगाया, तो क्या था ये पूरा मामला? जी, उन्होंने लिखवाया था मुकदमा बबीना थाने में, उन्होंने गाड़ी भी भेजी थी, मैं घर पे भेजी थी, और पैसे का और नौकरी का प्रलोभन भी दिया था, जिसकी जिम्मेदारी उनकी पत्नी, जो पहले हमारी सहेली बन के रहीं, किनकी पत्नी? भरत पाल। अच्छा। उनकी पत्नी हमारी सहेली बन के रहीं और वही ये सब काम करवा के चली गई, और केस लिखवा के चली गई, फिर उसका भी इसमें हाथ है। नहीं, जैसा कि आपने बताया है मुकदमा जो झूठा, मतलब भरत पाल पे आपने लिखवाया था, वो झूठा था कि सही था मुकदमा? नहीं, मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, और जबरदस्ती लिखवाया गया, और हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं, हम किसी की जिंदगी खराब करना नहीं चाहते। किसने लिखवाया जबरदस्ती? क्या वजह थी कि आपको ये मुकदमा लिखना पड़ा, लिखवाना पड़ा? मेरे ऊपर जो पारिवारिक प्रेशर भी बनाया गया, जो विधायक जी हैं उन्होंने भी कहा था कि मतलब लिखवा दो, तो मैंने लिखवा दिया। कौन विधायक? राजीव सिंह परीक्षा। और जैसा कि आपने आशीष उपाध्याय का नाम लिया, तो आशीष उपाध्याय का क्या रोल था? उनकी गाड़ी आई थी और उन्हीं ने कहा था कि बिना हमारी मर्जी के राजीनामा नहीं करना, क्योंकि हमने मुकदमा लिखवाया। तो अब जब आपने राजीनामा कर लिया, मुकदमा वापस ले रही है, तो क्या आप पे दबाव नहीं बन रहा है? हाँ, हमारे पास परसों फोन आया था, तो बोल रहे थे कि जैसा हम बोलें वैसा बोलना पड़ेगा, और जो भी बोला है वो बयान वापस ले लो अपने, कि जो भी बोला है वो वापस ले लो अपना बयान, और जो हम कहें और वही बोलना, बोल देना कि हम घर पे नहीं हैं, और हम घर पे ही थे। तो कोई धमकी वगैरह क्या आ रही है आपके पास? यही कि जो बोला है वो वापस ले लो अपना बयान, और जो हम कहें वो बोलो। तो मैंने उस बारे में भी वीडियो डाला था। कुछ बीजेपी के नेता आपके ऑडियो वायरल कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग है जो आपकी पुरानी। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि मतलब मामला सही था, लेकिन आप जो बयान से पलट रहे हैं, तो ऐसा क्या सही है? जी नहीं, वो कल्पेश बघेल का नाम लिया जा रहा, तो कल्पेश बघेल जो उससे मेरा रिश्ता हो रहा था, जो निजी पलों में जो निजी बातें हैं, तो शादी की मना कर दी थी उससे, तो उसने मेरी जो भी उसके पास मेरा था वो